के कई इलाकों में भी कुदरत का कहर टूटा है। डिंडोरी में तो ऐसी बारिश हुई कि सड़क बाजार तो डूबे ही, घरों के अंदर भी पानी भर गया। सड़क पर पानी ही पानी। बाजार में आ गई बाढ़। दुकानों में घुस गया पानी। बस्ती में बाढ़ का कहर। घर के अंदर घुसा पानी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी शहर का हाल देखिए, जिस तरफ भी नजर दौड़ाइए पानी ही पानी नजर आ रहा है। लगातार बारिश ने डिंडोरी शहर की सूरत ही बिगाड़ कर दी। सड़क पर पानी भर जाने की वजह से शहर दरिया जैसा नजर आने लगा। शहर के किनारे जो बाजार है वहाँ भी जल भराव हो गया। ये दृश्य देखकर ऐसा लगता है मानो नदी के बीचों बीच बाजार लगा दिया गया हो और दुकानें खोल दी गई। डिंडोरी में भारी बारिश होने की वजह से हर तरफ जल भराव हो गया। जो नाले कल तक सूखे पड़े रहते थे उसमें पानी भर गया है और नाले से ऊपर तक पानी बहने लगा है। जिन इलाकों से होकर ये नाले गुजरे हैं उन बस्तियों में गंदा पानी घुस गया। नाले का पानी गलियों और सड़कों पर बहने लगा है। हमारे यहाँ ये जो दो नालियाँ हैं, दोनों नाली से पानी यहाँ जाम हो जाता है और सारे 10-12 घरों में पानी पूरी तरह से भर जाता है। हमने पिछले साल भी इसकी शिकायत की थी और वो जो नाली जाम की गई थी इस नाली को खुलवाने के लिए आवेदन भी किया था, उसके बाद भी नाली नहीं खुलवाया गया। लगातार बारिश की वजह से डिंडोरी के निचले इलाकों में जबरदस्त जल भराव हो गया। घरों के अंदर भी पानी घुस गया जिससे बड़ी आबादी परेशान है। घरों में पानी निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। लोग जैसे ही अपने घरों में घुसा पानी बाहर निकालते हैं फिर बारिश हो जाती है और फिर से जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो जाती है। घरों में पानी घुसने से लोगों को काफी नुकसान भी हुआ है। अनाज से लेकर कई सामान पानी में डूबने से बर्बाद हो गए। हाँ, मेरे को 50,000 का नुकसान हो गया। सब भाड़े डिंडोरी में हुए जल भराव में नगर परिषद की पोल खोल कर रख दी। हर बार बारिश से पहले लोग नगर परिषद से नालों की सफाई करवाने की गुहार लगाते हैं लेकिन उसे अनसुना कर दिया जाता है और इसका नतीजा ये होता है कि बारिश में नाले का पानी बस्तियों और घरों में घुस जाता है और लोग परेशान थे। आनंद श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, डिंडोरी, मध्य प्रदेश। भारतीय राजनीति